सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ हिल बैटल, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। हिल बैटल करने के लिए जोन के बाहर बैठना पड़ता है और बस हिल करके लास्ट जोन तक सरवाइव करना पड़ता है। और मैं भी दोस्तों लास्ट जोन तक सरवाइव करने की ट्राई करूँगा और देखते हैं दोस्तों मैं जोन के बाहर कितने देर तक सर्वाइव कर पाता हूँ। और अभी आप लोगों को मेरे पास 10 इनहीलर देखने को मिल रहा होगा और 7 मेडकिट देखने को मिल रहा होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने कम मेडकिट को यूज़ करके जोन के बाहर कितने देर तक सर्वाइव कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से मैं जोन के बाहर सरवाइव करने वाला हूं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो एक मेडकिट मैंने यूज कर लिया और अभी मेरे पास 6 मेडकिट है। और आगे आप लोग देख सकते हो दोस्तों बहुत सारा मेडकिट देखने को मिल रहा होगा, जो कि दोस्तों मेरे पास मेडकिट की कोई भी कमी होने वाली नहीं है। और उसी के साथ साथ दोस्तों मेरे पास सुपर मेडकिट भी है और मैं दोस्तों सुपर मेडकिट को भी यूज करूंगा और मेडकिट को भी यूज करके जोन के बाहर ही भुइया लेने की ट्राई करूंगा। और अभी आप लोग मेरे टीममेट को देख सकते हो, सभी के सभी गाड़ी लेकर दोस्तों मेरे लिए सुपर मेडकिट ढूंढ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरे टीममेट कितना ज़्यादा सुपर मेडकिट मेरे लिए ला पाते हैं, ताकि मैं आसानी से जोन के बाहर भुइया निकाल पाऊँ। और अभी आप लोग जोन देख सकते हो उतना ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है दोस्तों, और मार्च इलेक्ट्रिक की साइड आप लोगों को जोन देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैं कितने देर तक जोन के बाहर सर्वाइव कर पाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनहीलर यूज करूंगा, उसके बाद दोस्तों मेडकिट यूज करूंगा और उसके बाद ही सुपर मेडकिट यूज करूंगा। और जो मेरा टीममेट दोस्तों देख सकते हो नॉक हो चुका है, अगर मेरे टीममेट कोई एलिमिनेट होते हैं तो मैं आसानी से रिवाइव कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास वेंडिंग मशीन भी है और मेरे पास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉइन पड़ी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोई मेरा टीममेट फिनिश होता है या फिर नहीं। और अभी आप लोग देख सकते हो मैं बस इनहीलर यूज कर रहा हूँ और जो मेरा एचपी है दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे कट रहा है। और मुझे अभी इनहीलर यूज करके दोस्तों सर्वाइव करना होगा, क्योंकि एचपी बहुत धीरे धीरे कट रहा है, तो मुझे मेडकिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरा सेकेंड नंबर बंदा है दोस्तों बार बार जोन के अंदर नॉक हो रहा है और इस बार यहाँ पर देख सकते हो एलिमिनेट हो गया। तो चलिए दोस्तों उसको फटाफट रिवाइव कर देते हैं, लेकिन रिवाइव करने से पहले दोस्तों मैं एक मेडकिट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं रिवाइव करते टाइम अपना हेल्थ नहीं देख पाया तो गाइज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो गाइज मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है और मुझे दोस्तों सोच समझ कर हील बैटल करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेरा थर्ड नंबर बंदा है दोस्तों मेरे लिए सुपर मेडकिट लेकर आया है, तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक बनता है, क्योंकि दोस्तों इतना छोटा जन हो गया है और ये बंदा बाइक लेकर दोस्तों मेरे लिए सुपर मेडकिट लेकर आया है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सुपर मेडकिट इधर उसने छोड़ दिया और उसको अभी जोन के अंदर भी जाना है। तो गाइज मैं आप लोगों को जोन दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑब्जर्वेटरी से उसको मार्स इलेक्ट्री तक जाना है, मतलब कि बहुत दूर तक उसको जाना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं जो मेरा थर्ड नंबर टीममेट है जोन के अंदर जा पाता है या फिर नहीं। और अभी आप लोग देख सकते हो मुझे मेडकिट भी करना पड़ रहा है और इधर से थोड़ा मैं और मेडकिट उठा लेता हूँ और सुपर मेडकिट भी ले लेता हूँ, ताकि अगर मेरा हेल्थ तेजी से माइनस होने लगे दोस्तों तो मैं सुपर मेडकिट को भी यूज कर पाऊँ। और अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों जो मेरा एचपी है बहुत ही धीरे धीरे कट रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा जोन हो गया है और मेरा एचपी इतना धीरे धीरे कैसे कट रहा है, क्योंकि दोस्तों जो मेरे पास कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं यूज करके हिल बैटल कर रहा हूँ। तो एक्टिव स्किल के अंदर दोस्तों मैं के कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ और पैसिव स्किल के अंदर मैक्सिम कैरेक्टर, कपिला कैरेक्टर और फोर्ड कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों ओटेरो पेट को भी यूज कर रहा हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो मैं सभी के सभी दोस्तों सुपर मेडकिट को उठा लिया, क्योंकि दोस्तों जोन भी धीरे धीरे छोटा हो रहा है तो मुझे सुपर मेडकिट भी करना पड़ सकता है। लेकिन अभी आप लोग मेरा एचपी देख सकते हो उतना तेजी से माइनस नहीं हो रहा है, तो मुझे अभी बस मेडकिट को यूज करके सर्वाइव करना है। और आप लोग जोन देख सकते हो बहुत ही छोटा हो गया दोस्तों और मेरे पास मेडकिट भी उतना ज्यादा नहीं बचा है, देख सकते हो 13 मेडकिट बचा है दोस्तों और सामने कुछ मेडकिट है। तो चलिए दोस्तों अभी मुझे बस मेडकिट करके सर्वाइव करना है, देखते हैं बस मैं मेडकिट को यूज करके कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता हूँ। अगर मेरा हेल्थ तेजी से कटने लगेगा तो मैं सुपर मेडकिट को भी यूज कर लूंगा। और मेरे पास दोस्तों बोन फायर भी है, तो कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों, अगर मेरा और तेजी से एचपी जाने लगेगा तो मैं बोन फायर को भी यूज कर दूंगा। और अभी देख सकते हो 10 मेडकिट मेरे पास है और सामने कुछ मेडकिट है दोस्तों, चलिए एक और मेडकिट यूज कर लेते हैं। और अभी आप लोग एचपी देख सकते हो दोस्तों बहुत तेजी से कटने लगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जोन बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। और इधर से दोस्तों मैंने कुछ और मेडकिट उठा लिया और मेरा बैग देख सकते हो फुल हो चुका है और मुझे बैक टू बैक मेडकिट करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों जोन बहुत ज्यादा छोटा हो गया और मेरा एचपी देख सकते हो कितने तेजी से माइनस हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास पेट नहीं होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता दोस्तों, और मेरे को पेट बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है। अगर आप लोग कभी भी हिल बैटल करो दोस्तों तो आप लोग ओटेरो पेट को जरूर यूज कर लेना। और गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा एचपी और तेजी से कटने लगा दोस्तों, शायद मेरे को सुपर मेडकिट भी यूज करना पड़ सकता है, लेकिन अभी मैं सुपर मेडकिट यूज नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा सुपर मेडकिट नहीं है। अगर मैं अभी से सुपर मेडकिट यूज करना स्टार्ट कर दूंगा तो लास्ट में शायद मैं इलिमिनेट भी हो सकता हूँ, इसलिए दोस्तों
मुझे अभी बस मेडिकिट को ही यूज करके सर्वाइव करना है, और जोन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है और मुझे दोस्तों बैक टू बैक मेडिकिट यूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, इतने छोटे जोन में दोस्तों मैं मेडिकिट करके अभी तक जिंदा हूँ, और मेरा हेल्थ देख सकते हो अभी भी उतना तेजी से माइनस नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो मेरे पास कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट लेवल है, और उसी के साथ दोस्तों जो मेरा पेट है बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और अभी आप लोग देख सकते हो 9 बंदे अलाइव हैं दोस्तों, जो कि 5 बंदे एनिमी है, और जो मेरे टीममेट हैं दोस्तों एक भी फिनिश नहीं हुए हैं, और जो मेरे टीममेट हैं दोस्तों प्रो बंदे हैं, मतलब कि अच्छा खेल लेते हैं। तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये गेम इजीली बुइया हो सकता है, और जो मेरा हेल्थ दोस्तों देख सकते हो बहुत तेजी से कट रहा है, और अभी देख सकते हो 8 बंदे अलाइव हैं और मुझे बैक टू बैक मेडकिट को यूज करना पड़ रहा है। अगर मैं एक सेकंड भी रुका दोस्तों तो मेरा एचपी बहुत तेजी से कटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी देख सकते हो मेरे पास 6 मेडकिट बचा है, और मैंने अभी तक दोस्तों सुपर मेडकिट एक भी यूज नहीं किया, और मुझे बैक टू बैक मेडकिट यूज करना पड़ रहा है। और जो जोन है दोस्तों बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है, और मार्स इलेक्ट्री पर बस 3 ही एनिमी बचे हैं, मतलब कि मार्स इलेक्ट्री पर 3 vs 3 का फाइट है। और अभी आप लोग मेरा एचपी देख सकते हो बहुत ही तेजी से कटना स्टार्ट हो गया दोस्तों, और मुझे बैक टू बैक अभी मेडकिट यूज करना पड़ रहा है। और जोन दोस्तों बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है, और यहाँ पर आप लोग मेरा एचपी देख सकते हो कितना फास्ट कट रहा है दोस्तों, मुझे सुपर मेडकिट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सुपर मेडकिट भी यूज कर दिया दोस्तों, और जैसे मैंने सुपर मेडकिट यूज किया दोस्तों मेरे टीममेट ने बुइया दिला दिया दोस्तों। और यहाँ पर अभी हिल बैटल चल ही रहा था, उससे पहले दोस्तों मेरे टीममेट ने बुइया दिला दिया। अगर मेरे टीममेट नहीं होते तो क्या मैं हिल बैटल करके बुइया निकाल पाता या नहीं दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑलवेज सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।